नेचर, ओके। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर टू, एंट्रोपीज और शेप। चैप्टर नंबर वन आप पढ़ चुके होंगे, ये आपका चैप्टर नंबर टू है, एंट्रोपीज और शेप, ओके। देन आई स्टार्ट। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों लोगों में गुलामी की प्रथा थी। इस स्टोरी को पहले तो आप रीड करेंगे, उसको मैं रिफाइंड में आपको समझा दे रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है, रोम में गुलामी की प्रथा चल रही थी। गुलामों को बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह ही रखा जाता था, मतलब उनकी खरीद फरोख्त भी होती थी। जो चाहता था दूसरे को अपना गुलाम बेच देता था या दूसरे का गुलाम उन्हें खरीद लेता था, और उनको बिल्कुल जानवर की तरीके ही ट्रीट करते थे। उन्हीं दिनों एंट्रोपीज नाम का एक गुलाम था। क्या था? गुलाम, जिसका मालिक रोम से उसको अफ्रीका लेके गया था। कहां से लेके गया था? रोम से। वो रोम का रहने वाला था और उसे वो अफ्रीका खरीद के ले गया था। वो बहुत ही कठोर था उसका मालिक, बहुत ही पत्थर दिल था, बिल्कुल उसके ऊपर रहम नहीं करता था। उसको सारा दिन काम कराता था और भूखे पेट रहता था, खाना नहीं देता था। और वो अपने मालिक से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसके चरणों से बस भाग जाना चाहता था कि हम कहीं चले जाए, हमको इसके मालिक के साथ ना रहना पड़े। फिर एक दिन उसने बहुत ज्यादा साहस जुटाया और हिम्मत करके वो घर से भाग निकला। उसने अंदाजा लगाया कि अगर हम समुद्र के किनारे किनारे जाएंगे तो रोम आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन रात हो गई, वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटकने से वो घने जंगल की तरफ चला गया। घने जंगल में जाकर वो इतना थक गया था, अंधेरा हो चुका था, उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो थोड़ी देर आराम करना चाहता था, तो एक गुफा थी, गुफा के अंदर जाके वो बैठ गया। भूखा भी था, बहुत थक गया था, इसी कारण उसकी हल्की सी आंख लग गई और वो सो गया। अचानक से उसकी दहाड़ सुन के उसकी नींद खुल गई कि क्या हो गया। तो उसने देखा कि एक शेर बिल्कुल गुफा के दरवाजे पर बैठा हुआ है। अब तो उसने सोचा कि अब तो बिल्कुल मरना है, मौत मेरे सामने खड़ी है, अब हम क्या कर सकते हैं। फिर वो बहुत ध्यान से देखता रहा कि अब वो अंदर आएंगे तब भी मरेंगे, बाहर जाएंगे तब भी मरेंगे, तो एक बार प्रयास कर लेना चाहिए बाहर निकलने का। जब उसने देखा कि शेर पंजे को अपने बार बार से हिला रहा है और उसको दर्द हो रहा है, जीभ से चाट रहा है, उसको बहुत दिक्कत है, उसको लगा कि शायद इसके पंजे में कुछ इसको दिक्कत है, तो लौट देखना चाहिए। हिम्मत करके वो गया कि जो भी होगा देखा जाएगा। जब वो उसके पास गया तो देखा उसके बहुत बड़ा सा काटा उसके हाथ में चुभा हुआ था, जिसकी वजह से वो परेशान था, चिल्ला रहा था। तो उसने उस कांटे को निकाल दिया। किसने? एंड्रोपीज ने। किसने निकाला? एंड्रोपीज ने। एंड्रोपीज ने उसके कांटे को निकाल दिया और थोड़ी देर हाथ से दबाए रखा, जिससे उसका सारा खून जो है बंद हो गया। अब शेर को थोड़ा राहत मिली। फिर वो शेर जब अंदर जाकर उसके लिए मरा हुआ खरगोश उसके सामने लाके डाल दिया। अब उसको जो भी समझ में आया, जानवर उसने जो भी एहसास किया हो, फिर उसने एंड्रोपीज ने क्या किया, शेर को भून के खा लिया। फिर वही शेर उसको झरने के पास तक लेके गया, पानी पिया दोनों ने। फिर इस तरीके से आपस में एक दूसरे को समझने लगे वो। तो उसने एंड्रोपीज ने समझा कि चलो कुछ समय हम इसी के साथ बिताते हैं। तो उसने कई महीने शेर के साथ उसी जंगल में काट दिए। दोनों में दोस्ती काफी गहरी हो गई। फिर एक दिन एंड्रोपीज उसके साथ जो है काफी दिन रहता रहा, लेकिन फिर वहां से वो चला गया। वहां जाकर उधर एंड्रोपीज के मालिक को जब पता चला कि मेरा गुलाम तो भाग गया है घर से, उसने रोम में खबर कर दी, क्योंकि वो रोम से उसे खरीद के लाया था। इसलिए उसने रोम की सरकार को खबर करी कि जो मैं यहाँ से गुलाम खरीद के ले गया था वो भाग गया है। तो रोम में काफी कठिन सजा दे रहे थे, बिल्कुल मौत की सजा दे देते थे कि किसी तरीके से वो मतलब हार जाए, तो लोगों में दहशत हो जाए कि वो भागने का काम ना कर सके। उन दिनों मौत की सजा भी बड़ी अजीब ढंग से देते थे। मैदान में राजा महाराजा और उनके मंत्री, शहर के बड़े बड़े रईस, बादशाह, हकीम सब वहां पे बैठ जाते थे। एक मैदान स्टेडियम जिसको आप लोग समझ सकते हैं, स्टेडियम उस तरीके से होता था। और वहां पे उस
दिया गया अपने बचाव के लिए और उसको उसी मैदान में खड़ा कर दिया गया डोगीस को कि अब तो सजा मिलनी है क्योंकि वो भाई जहाँ बेचा गया था वहाँ उस जगह को छोड़ के आ गया तो उसे नहीं छोड़नी थी लेकिन वो अपने मालिक के बर्ताव से इतना तंग आ गया था क्योंकि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था। फिर क्या हुआ क्योंकि उसका बर्ताव भी अच्छा नहीं था सेचर हमारे साथ आपको मालूम ही है उसको जब मैदान में खड़ा किया गया और शेर को छोड़ दिया गया शेर दौड़ता दौड़ता उसके पास तक आया भूखा था वो तो खाना चाह रहा था लेकिन मंडोगी इसके पास आके रुक गया क्यों रुक गया क्योंकि ये वही शेर था जो उसे जंगल में मिला था तो उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और वो उसके पैर के पास जाके उसके पांव को चूमने लगा और अपनी पूंछ हिलाने लगा कि जैसे उसने डॉगी पाल रखा हो कुत्ता पाल रखा हो इस तरीके से वो बिहेवियर करने लगा और जो है ये देखते देखते इस भी उसको पहचान कर कह रहे कि तो वही है मैंने मदद की थी मेरा पुराना दोस्त है और उसकी पीठ थपथपाई और पुचकारा ये सब वहां के राजा ने देखा बादशाह ने देखा तो उसको बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे कैसे हो गया फिर उसने एडवर्टिस को बुला के पूरी उससे कहानी सुनी कि कैसे क्या हुआ था ये शेर तुमको कैसे जानता है क्यों उसने उसके साथ तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया तो फिर एडवर्टिस ने पूरी बात बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसे ही लाइन से उसको समझा दी तो राजा इनकी सब बातों को देख के बहुत ही अंदर से व्यथित हुआ मतलब अंदर ही अंदर उसे बड़ा लगा कि मैं कितना अत्याचार कर रहा था इसके साथ तो उसने इन सब की बातों से उसके ऊपर यह असर हुआ कि उसने एडवर्टिस को आजाद कर दिया साथ ही शेर को भी उसके साथ जाने की आज्ञा दे दी तो अब क्या हुआ मनुष्य जानवर के बीच में इस अद्भुत संबंध को देखकर वो बहुत परेशान हो गया था इसलिए उसने एडवर्टिस को आजाद कर दिया और शेर को भी उसे सौंप दिया और दोनों को स्वतंत्र कर दिया कि जैसे चाहो आप जिंदगी जियो जाके ओके ये आपके शब्दार्थ है बर्ताव मीन्स हो गया आपका